जी गाइस नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने बांग्लादेश पे एक वीडियो बनाया था, वो अपलोड हो चुका है, आपने देखा होगा उसमें, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब एक रिजर्वेशन का मुद्दा है। अब एक रिजर्वेशन से किसी देश के पीएम की कुर्सी चली जाती है, तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। रिजर्वेशन तो बहाना है, लेकिन आज देखिए बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है और जो विद्रोही नेता होते हैं, विद्रोही स्टूडेंट होते हैं तीन, जो जिन्होंने विद्रोह किया था आरक्षण को लेकर, उनमें से दो जो विद्रोही नेता हैं वो अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। तो किस तरह की एक जियोपॉलिटिक्स रही बांग्लादेश के अंदर, और हाल ही में बांग्लादेश में इतने सारे हमले हो रहे हैं जो माइनॉरिटीज़ को लेकर, अल्पसंख्यक लोग हैं और जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, वहाँ मुस्लिम कंट्री आबादी ज़्यादा हो चुकी है। लगभग आप कह सकते हैं 92% जो हैं बांग्लादेश की मुस्लिम आबादी है, 8% वहाँ पर, मतलब 7.95% हिंदू मतलब कैटेगरी के लोग हैं, और जिनके मंदिर, आर्ट एंड कल्चर प्लेसेस, घर, और यहाँ तक है महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की जा रही है। एक तरह से नेशनल लेवल पर ये मुद्दा गर्मा गया है। कैसी सियासत है, क्या यही एस्पेक्ट करता है बांग्लादेश? बांग्लादेश क्या यही एस्पेक्ट करता है कि एक माइनॉरिटी को आप वहाँ पर प्रताड़ित की कर रहे हैं? क्या भारत देश कर रहा है ऐसी हरकतें? भारत देश में सब लोग सेकुलरिज्म की भावना के साथ जी रहे हैं। हम आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 का पालन कर रहे हैं, आर्टिकल 14 का पालन कर रहे हैं। क्या बांग्लादेश अपने संविधान का पालन नहीं कर रहा? क्या बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद जी, क्या वो थोड़ा फॉलो नहीं कर रहे कानून को? सख्ती से कानून को क्यों लागू नहीं कर पा रहे हैं? क्या एक समस्या है जो बांग्लादेश जो है इस तरह से उत्तेजित अवस्था में आकर माइनॉरिटीज़ पर हमला कर रहा है? धड़ल्ले से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के अंदर गलत भावनाएं मतलब इस्टेब्लिश की जा रही हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं, तोड़ना, मारना, जहरना, लड़ना, मर्डर करना, किलिंग्स करना, सुसाइड करना, बलात्कार करना, इस तरह की घटनाएं जब से बांग्लादेश में ये प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्विट किया है बांग्लादेश को, और यहाँ सेफ हाउस गाजियाबाद हिंडन में छुपी हुई हैं, तब से ज़्यादा इम्प्लीमेंट वहाँ हो रहा है। हिंसा भड़क चुकी है बांग्लादेश के अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है गाइस, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ऐसे कानूनों का उल्लंघन माना जा रहा है, और कई सारे जो डेवलपमेंट कंट्री हैं, पी टू पावर कंट्री हैं, इसकी पूरी तरह से आलोचना कर रहे हैं और सपोर्ट मांगना चाहते हैं कि इस तरह के दुर्व्यवहार ना किया जाए। काफ़ी संख्या में हिंदू लोग बॉर्डर के पास आ चुके हैं। मेघालय, जो आपका असम, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आदि की बाउंड्री को सील कर दिया गया है। मार्केट जो है शाम के 5-6 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद सील कर दिया गया है। पूरी फौज हमारी समुद्री तट तक खड़ी हुई है, ताकि कई सारे कुछ ऐसे मूवमेंट ना हो जाए हिंदुस्तान में, जो हम नहीं चाहते कि कोई भी रिफ्यूजी के साथ कोई मिलिटेंट एंटर कर जाए और भारत में तबाही का एक मंजर देखना पड़े। इस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी अनबन जैसी भावनाएं क्रिएट हो चुकी हैं। फाइनली बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। मोहम्मद यूनुस जो हैं लगभग 3 साल के कार्यकाल तक के लिए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। मतलब जो अंतरिम सरकार का जो टेन्योर होता है वो 3 साल तक का होता है गाइस। अब 3 साल से पहले अगर परमानेंट सरकार बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो कार्यकारी प्रधानमंत्री बांग्लादेश को संभालने में लगे हुए हैं, और दो विद्रोही नेता जो थे जिन्होंने आंदोलन किया था उनको भी कैबिनेट में जगह मिल चुकी है। तो ये किस तरह की सियासत हुई ये समझ में नहीं आया, क्योंकि बांग्लादेश ने जियोपॉलिटिक्स खेला, इंडिया के साथ खेला या अन्य कंट्री के साथ अपनी आलोचना करवा रहा है, जैसा भी है, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। आरोप लगाना अच्छी बात है कि हाँ बांग्लादेश ऐसे हरकत कर रहा है, आरोप बिल्कुल सत्य हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी भी ट्रस्ट के मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी की जो धार्मिक संप्रदाय है उनको आहत नहीं पहुंचाना चाहिए, टॉलरेंस की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा बांग्लादेश में नहीं दिख रहा है। और डेली कोई ना कोई मर रहा है, लगभग आप देखते ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग लगभग 500 से 600 लोगों की वहाँ डेथ हो जाती हैं ऑफिशियल डेटा, बाकी हज़ारों में काफ़ी अनऑफिशियल डेड बॉडीज़ वहाँ देखने को मिल रही हैं। किसकी बॉडीज़ हैं, क्या है, उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। तबाही का मंजर बांग्लादेश में दिख रहा है गाइस। आरक्षण का मुद्दा आप खुद जानते हैं 1972 को शुरू हुआ था, लेकिन आज क्यों ये ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है आरक्षण मुद्दा?
क्यों ये अग्रेसिव थॉट्स बनते जा रहे हैं लोगों के अंदर। 2018 में संरक्षण मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल हटा दिया गया था, और 93% आज की डेट में क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो आरक्षण रखा गया है, और लगभग 2 से 3% जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 1% आरक्षण तय कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसमें बांग्लादेश की जो एक्स पीएम थी शेख हसीना, उन्होंने भी फॉलो किया इस रूल को, ऐसी बात नहीं, सपोर्ट किया था वहाँ के लोगों के लिए। जो आवाम लीग की चीफ रही हैं, आवाम लीग पार्टी है बांग्लादेश में, जो अभी उनके बेटे संभाल रहे हैं, लेकिन अब एक गुंजाइश नहीं है कि वो पार्टी दोबारा आएगी अस्तित्व में, क्योंकि शेख हसीना पीएम जो है वहाँ से क्विट कर दिया है बांग्लादेश को। फाइनली वो इंडिया सेफ हाउस में सुरक्षित हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी साजिश होने के बाद बांग्लादेश में, और किसी भी देश ने उनको एंट्री नहीं दी, कितना बड़ा पॉइंट है। 57 OIC कंट्री हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज से 57, पूरे संसार में मुसलमान कंट्रीज ज़्यादा हैं, मतलब मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, क्रिश्चियन की जनसंख्या भी ज़्यादा है, लेकिन मुसलमानों का जो रेशियो है वो दिन और दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इतने हाई लेवल पर मुसलमान हो चुके हैं, 57 OIC ग्रुप हैं, एक तरह से 57 ग्रुप, जो उन्होंने मतलब शेख हसीना को भी मतलब शरण देने से मना कर दिया। इससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चार्ल्स ने भी मना कर दिया। इस तरह की हरकतें देखने को आई हैं। भारत ने ही अपना हाथ आगे किया और शेख हसीना को वहाँ पर शेल्टर कर रखा है सेफ हाउस में, लेकिन हमारे ही लोगों को मारा जा रहा है बांग्लादेश में। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम सेकुलर्स की भावना को फॉलो कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान भी है, सिख भी है, और जैनिज्म में रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सब मिलकर रह रहे हैं। क्या हम अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश की तरह? हमारे जो 8% हिंदू भाई रह गए हैं उन पर इतने जुल्म हो रहे हैं, माता बहनों का बलात्कार किया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, कई बड़े बड़े पॉपुलर हस्ती हैं हिंदू की जो वहाँ रह रहे हैं बांग्लादेश में, उनको भी तबाह किया जा रहा है। किस तरह का कानून है, क्यों वहाँ के राष्ट्रपति फॉलो नहीं कर पा रहे, कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो बांग्लादेश के अंदर? हाल ही में सरकार तो बना ली गई है, और हाल ही में इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए हैं कि हम कानून को सख्त बनाएंगे और इस तरह की हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इंस्टाग्राम पर और अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि हम शांति चाहते हैं बांग्लादेश के साथ, इस बार कोई ज़्यादा हरकत नहीं होनी चाहिए। यूनुस, जो मोहम्मद यूनुस हैं, उनको बधाई भी दी हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। इतना अत्याचार भ्रष्टाचार होते हुए भी बधाई का संदेश जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश में, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सामरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत रहें। बस एक यही अपील है हर देश के प्रधानमंत्री, हर देश के राष्ट्राध्यक्ष का एक यही मोटिव होता है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, अपने लोगों की रक्षा कर पाए। यही संदेश हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस को दिया है, अपनी आने वाली सरकार को शुभकामनाएं दी हैं, और एक यही मैसेज दिया है कि वहाँ पर होने वाले जुल्म को रोका जाए, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे आपके मुस्लिम कंट्री वो मुस्लिम लोग हों, प्लीज़ उसको रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बांग्लादेश को चाहे 1971 में आज़ाद कराया था, मुक्ति संग्राम कहा गया था, कई सारे पॉइंट गाइस हमारे यहाँ स्टैटिक जीके से भी होंगे और कई सारे पॉइंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं, ठीक है। मुक्ति संग्राम तब कहा गया जब 1971 में आज़ाद कराया था अपने बांग्लादेश को, ठीक है। हमने मुक्ति वाहिनी भी भेजी थी, वहाँ मुक्ति संग्राम था, मुक्ति वाहिनी प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी ने अपनी सेना भेजी थी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने वहाँ पर जुल्म ज़्यादा ढाए रखे थे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, आप देख सकते हैं किस तरह से जुल्म ढाए थे, और मुक्ति वाहिनी के द्वारा हमने वहाँ पर उनको बांग्लादेश सौंपा। जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे ईस्ट बंगाल, फिर उसके बाद बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया जाता है 1971 में फाइनली, और मुक्ति संग्राम एक वहाँ का स्वतंत्रता संग्रामी, स्वतंत्रता जो क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है, उनको एक नाम दिया गया, और जो रजाकार नाम दिया गया था, जो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के सपोर्ट में लोग लड़ रहे थे बांग्लादेशी के लोग, उनको वहाँ के जो पार्टी हैं, चीफ हैं, उन्होंने मतलब जो शेख हसीना थी उन्होंने एक नाम दिया रजाकार, ठीक है, जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे दैट टाइम, तो उन्होंने रजाकार नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2018 में आता है, फिर भी आरक्षण खत्म हो जाता है। फाइनली आरक्षण का एक मुद्दा था, लेकिन सरकार का गिराना, मतलब आरक्षण तो बहाना था, सरकार को गिराना था, वो गिर गई सरकार, और प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्विट कर दिया। फाइनली वहाँ पर आवाम लीग खत्म हो चुकी, और जो विद्रोही नेता थे, जो स्टूडेंट थे, उनको अंतरिम सरकार में
शामिल कर लिया गया है और आगे आने वाली अंतरिम सरकार परमानेंट सरकार हो सकती है और वो परमानेंट मंत्री बन सकते हैं। क्या सियासत थी, क्यों ऐसा किया गया, क्या रिजर्वेशन एक मुद्दा रियल में मुद्दा था, ये इस पर अभी पूरी तरह से सस्पेक्ट बना हुआ है। इधर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन भी कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई अगर कमेंट ही तो छोड़ सकता है। बैठे बैठे जो बाइडन सब कमेंट छोड़ रहे हैं कि शेख हसीना मैडम का जो प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल था वो बेहतर नहीं रहा, प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन था उसमें भी स्कैम मिला, उन्होंने घोटाला किया, गड़बड़बाजी से उन्होंने शेख हसीना ने बांग्लादेश की पीएम की कुर्सी छीन रखी थी, पांचवी बार कैसे कोई बन सकता है, बहुत सारी क्रिटिसाइज़ की। अमेरिका से ये एस्पेक्ट नहीं था, जहाँ पर वो पैसी आग जल रही है वो घी और डाल रहा है उसमें, अगर ये आप शांत नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई तो मत करो किसी चीज़ की, है ना। किसी को एनकरेज नहीं कर पा रहे आप, किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तो आपका एक एक एज ए प्रेजिडेंट, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली प्रेजिडेंट हैं आप किसी देश के, आपकी स्पीच इस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कैसे वो हमें कॉपरेट कर रहा है, इंडिया और बांग्लादेश के कैसे रिलेशन है, हमें तो इस पर काम करना चाहिए। बाकी किसका भी षड्यंत्र हो, कई मीडिया छाप रहे हैं कि चाइना का बहुत बड़ा एक दिमाग है, वो बात सही है, बिना उसके कहाँ हो पा रहा है। आप देख सकते हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे पड़ोसी देशों से हमारी क्या एकदम बिगड़ चुकी है। हम टॉलरेट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, क्या पड़ोसी देश टॉलरेट पॉलिसी को फॉलो कर पा रहे हैं? आज भी पाकिस्तान को पूरे हथियार दे दो टूट पड़ेगा इंडिया को मारने के लिए, आ बैल मुझे मार, बताइए। हिंदुस्तान किसी का बुरा नहीं चाह रहा, फिर भी हिंदुस्तान के ऊपर लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है 300 साल 400 साल तक गुलाम रहा है भारत देश, दिल्ली सल्तनत का रहा, मुगल सल्तनत का रहा और अंग्रेज़ों को रहा। अगर हम मुगल सल्तनत से अंग्रेज तक का ड्यूरेशन देखें तो 300-400 के तक का 400 साल तक गुलाम रहा। अगर हम 712 से देखें तो 1000 प्लस साल तक गुलाम रहे हम गाइस। तो गुलामी की मैं मानता हूँ, गुलामी के जो हमारे शब्द हैं वो अंदर से नहीं जाएंगे, हमारे अंदर डेडिकेशन मोटिवेशन धीरे धीरे आ रहा है, डेवलप हो रहा है हिंदुस्तान, हम अपनी जनरेशन को डेवलप कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं कि कोई भी देश हमारे ऊपर चढ़ बैठे, चाइना कह रहा है कि आप हमारा मतलब आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको आज़ादी दे देंगे बढ़िया तरह से, हमें आप अरुणाचल प्रदेश दे दीजिए, सिक्किम दे दीजिए, हम आपको यूएनएससी में मेंबरशिप दे देंगे, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हम आपको परमानेंट मेंबरशिप बना दीजिए, मतलब हमारे स्टेट को मांग रहा है तभी साइन करेगा फाइल पर। ब्लैकमेलिंग हो रही है हमारे साथ, पड़ोसी मुल्क हमारे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, देखिए तब भी इंडिया हमारा टॉलरेंस की नीति चला रहा है, चाइना के साथ चला रहा है, पाकिस्तान के साथ चला रहा है, बांग्लादेश के साथ चला रहा है। अभी मैंने भी जस्ट बताया, ट्वीट किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जितना हो सकता है भारत देश टॉलरेट कर रहा है, एक सौहार्दपूर्ण नीति फॉलो कर रहा है, लेकिन पड़ोसी जो हैं बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के चक्कर में आ चुके हैं और वो हमारी क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। बांग्लादेश छोड़ो, हमारे भारत के जो अपोजिशन लीडर हैं सलमान खुर्शीद, वो क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं भारत सरकार की। हम पक्ष रख रहे हैं बांग्लादेश का, बांग्लादेश के प्रति, लेकिन हमारी ही अपोजिशन हमारी ऐसी तैसी कर रही है संसद में, डेली हल्ला हो रहा है संसद में, डेली क्वेश्चन पर क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, कोई क्वेश्चंस का कोई सेंस ही नहीं है, नॉन सेंस क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। सरकार का अगर बात करो तो आप सरकार की डेप्रिसिएशन के बारे में बात करो, डिफ्लेशन के बारे में बात करो, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करो, आप एक इंटरनेशनल मुद्दे को लेकर इधर उधर की राजनीति में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? करना है तो सपोर्ट करो इंटरनेशनल पर, एक होकर काम करो, सारी पार्टियां एक हो जाओ, तभी हमारे हिंदुस्तान की यूनाइटेड पावर क्रिएट हो सकती है। वो बात अलग है कि हम इंडिविजुअल थॉट्स फॉलो करते हैं, अपनी कुर्सी बजाना चाहते हैं, माइट इज राइट का फॉर्मूला आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसी का प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो समस्या इस बात की नहीं कि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, इस हिंसा को क्यों नहीं रोका जा रहा है। रिजर्वेशन मुद्दा था या नहीं वो आप सब जानते हैं, प्रिंट मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से आप सबने पढ़ा है, देखा है, लेकिन ये तो एक सियासी चाल थी शेख हसीना को हटाने की पूरी तरह से। रिजर्वेशन तो 1972 से था, क्यों नहीं उस समय दंगे हुए, ख़त्म कर दिए 2018 में, दंगे क्यों नहीं हुए, अभी क्यों हुए, 2024 में क्यों हुए, इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर ढूंढ पाना मुश्किल है, रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी लोग, कोई जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा है, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, कोई अमेरिका चाइना के इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं गाइस बात करने के लिए, कई सारे मुद्दे हैं। मैं तो बस फाइनली यही बात कहूँगा कि एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पर अपने देश की जो हमारी पॉलिसी हैं हम सौहार्दपूर्वक निभा रहे हैं,
हम अच्छी तरह से अपने पड़ोसियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई शक्तिशाली देश हमारे ऊपर हमला ना कर दे। हर देश चाहता है कि अपने आवाम को सुरक्षित रखे, प्रोटेक्ट करे, अवेयर करे। वो हमारा देश कोऑपरेट कर रहा है, जितना हो सकता है हो रहा है, लेकिन हम नेगेटिविटी से दूर रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। हिंसा है, बहुत हो रही है, मानते हैं। बांग्लादेश की बाउंड्री हमारे देश के साथ सबसे ज़्यादा टच करती है, 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है इंडिया के साथ। क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं है ना। तो बांग्लादेश की पूरी समुद्री सील, समुद्री जो हमारे इलाके हैं कोस्टल एरिया, उसको भी सील कर दिया गया है। BSF को तैनात कर दिया गया है, छुट्टी रद्द हो चुकी है हमारे सोल्जर्स की। किसी का भाई ड्यूटी कर रहा है, किसी का पति ड्यूटी कर रहा है, किसी का बेटा ड्यूटी कर रहा है, दिन और रात 24 घंटे की ड्यूटी। तनख्वाह 40,000 रुपये, 45,000, 50,000। क्या वो अपने 50,000 के लिए गए वहाँ पर? देश की आन बान शान के लिए हम लोग वहाँ खड़े हैं, और जो पड़ोसी मुल्क है वो हमको समझ ही नहीं पा रहा है। हम शेल्टर देने के लिए रेडी भी हैं। शेख हसीना को अगर भारत, सपोज करो शेख हसीना को अगर भारत शेल्टर नहीं देता तो वहीं ख़त्म हो जाती, उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता। हम मना कर देते, सॉरी आई एम सॉरी, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आगे क्या होता? शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर ही ख़त्म हो जाती या कहीं बंकर में छुप जाती। तो बहुत सारे पॉइंट हैं बात करने के लिए, ठीक है। तो मैं तो बस इसी बात को मैं संक्षेप में कहूँगा कि हर देश का एक मोटिव होता है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बनाए रखे, जो भी रिलीजियस थॉट हैं, सोशियो इकोनॉमिक थॉट हैं, पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उनको हम लोग आर्गुमेंट में ख़त्म ना करें। एक मतलब एक्सप्लोजर, जो भी आपका टैलेंट है देश का, उसको एक्सप्लोर करें, तरीके से एक्सप्लोर करें, ह्यूमिनिटी को बनाने में मदद करें। हर देश ह्यूमिनिटी को चाहता है बरकरार। दिलचस्पी सिर्फ जो लालच है वो चाइना के अंदर ज़्यादा भरा पड़ा है, उसको और ज़्यादा बाउंड्री चाहिए। एरिया में तीसरा नंबर चाइना का आता है, पहला आपका रशिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चाइना है, फोर्थ USA है, फिफ्थ आपका ब्राज़ील है, एंड सिक्स आपका ऑस्ट्रेलिया है। सेवन्थ पोजीशन पर हमारा इंडिया आता है, हमारे एरिया में सेवन्थ पोजीशन है हमारे इंडिया की रैंक में। फिर भी इंडिया सबके साथ एक तरह से पारस्परिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे म्यांमार हो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। श्रीलंका के आसपास आपको पता है एक चाइना का जहाज भी आता है, जो स्पाई जहाज होता है। मना करने के बावजूद भी श्रीलंका में उसने हम्बनबोटा एक वो है वहाँ पर पोर्ट, वहाँ आ जाता है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने मैक्सिमम पैसा ले रखा है चाइना से। हमने सिर्फ चाइना को, श्रीलंका को क्या दिया? फूड दिया, पेट्रोल डीजल दिया, लेकिन उसने क्या किया, फाइनली पैसा दिया किसको? श्रीलंका को। तो वो उसकी बात सुनेगा? तो बहुत सारी बातें हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट बहुत सारे लेवल पर हो रहा है। मालदीव के साथ अभी हमारा झगड़ा हुआ, जो मोहिद्दीन मेजू थे, सेलेक्ट हुए थे, अभी भी प्रेसिडेंट है मालदीव के। उससे पहले इब्राहिम सालेह थे, इनके साथ हमारे भारत के अच्छे संबंध थे, लेकिन मालदीव ने अपने संबंध बिगाड़ लिए हमारे के साथ। क्यों? क्योंकि मालदीव के ऊपर किसका हाथ हो गया? चाइना का हाथ हो गया। आज वो मालदीव का प्रेसिडेंट चाइना में आना जाना शुरू कर दिया, चाइना के प्रोजेक्ट ले लिए मालदीव में, मालदीव की लैंड पूरी कवर कर ली, लीज पर ले लिया मालदीव को चाइना ने। सोचिए चाइना करना क्या चाहता है? ये क्या पूरी पूरी धरती पर मतलब अशांति फैलाना चाहता है क्या? क्या मकसद है? हम सब एक दिन सब खत्म हो जाएगा। कोई एस्ट्रॉयड ऐसा गिरेगा, अभी न्यूज़ आ रही है कि 2029 में एक एस्ट्रॉयड आने वाला है। कब क्या हो जाए, धरती कब उलट से पुलट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। किसकी मृत्यु कब हो जाए कह नहीं सकते। ईरान का राष्ट्रपति देखिए, ईरान का राष्ट्रपति इतना स्ट्रांग था जो इसराइल के अपोजिट खड़ा था, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति शक्तिशाली भी था, मजबूत था। कब उसकी डेथ हो गई, कैसे मार दिया, कुछ नहीं पता। एक मिस्ट्री बन गई, एक रहस्य बन गया। तो कुछ भी नहीं कह सकते कि सी जिनपिंग का क्या होगा। बेशक वो अपने में तानाशाही चला रहा है, अरे जितना तुम्हारे पास है उतने को डेवलप करो। क्यों दूसरे देशों की नज़र रखते हो धरती पर, ज़मीन पर, हैं बताइए? क्यों दूसरे देश को गुलाम बनाना चाह रहे हो आप? वहाँ की ह्यूमनिटी भी तो है, इंसानियत है, मानवता है, उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हम लोग? हम सब मिलकर काम करें तो देश छोड़ो, संसार में हम शांति का पाठ लेके आ सकते हैं। हम सब मिलकर, लगभग 850 करोड़ लोग हैं हम लोग इस धरती पर, इस धरती को बचा सकते हैं, इसके क्लाइमेट को बचा सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसको बचा सकते हैं।
लोगों के लिए जो फूड प्रोसेसिंग है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोर्सेस इकट्ठे कर सकते हैं, गैसेस, नेचुरल गैसेस, बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो डिबेट करेंगे, हम तो युद्ध करेंगे, बैटल करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। धरती पर आने वाला समय कैसा होगा कोई नहीं जानता, किसी ने फ्यूचर नहीं देखा और न किसी ने फ्यूचर बनाने वाली मशीन बनाई है। तो प्लीज़ बांग्लादेश की जो शांति है उसमें सभी देश पार्टिसिपेट करें और शांति की हम लोग क्या करें, दुआ करें कि इस तरह की हरकतें ना करें। ना इंडिया अपने में आ गया तो इंडिया फिर फोर्स भेजेगा, 1971 जैसे हालात हो जाएंगे, जो हम ईस्ट पाकिस्तान को खदेड़ के भगाया, बांग्लादेश हमारा ही बच्चा है, समझा रहे हैं तरीके से कि वो ज़्यादा जुल्म ना करें वहाँ की आवाम पर, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर यूएसए नहीं था 1971 में, चाइना ने नहीं पैदा किया तुमको, हमारी धरती है वो जो आपको दे दी, एक देश बना दिया आपका, एक इमेज बना दी आपकी। ना चाइना होता तो वो भी छीन लेता आपसे, आप रशिया ने छीन लिया ना, छीन लिया 2014 में क्रीमिया को, और रशिया और भी छीन रहा है, पोलैंड को छीन रहा है, यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है, रोक लेगा कोई उसे? लेकिन भारत नहीं चाह रहा ऐसा। भारत चाहे म्यांमार को भी अपने पास रख ले, बांग्लादेश को भी कर ले अपने पास, तिब्बत को भी कर सकता है अभी भी, लेकिन वो चाहता है मानवता को बनाए रखना, संसार में एक अच्छा संदेश देने के लिए। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, ये वीडियो मैंने बनाया है एक स्पीच के थ्रू, अच्छा लगे शेयर करना, लाइक करना गाइस, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे, स्टैटिक जीके वगैरह, जीएस के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट इसमें मैंने मेंशन किए बहुत सारे, ठीक है? ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते, जय हिंद।